साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। और आज 23 अगस्त की पहली शिफ्ट के एनालाइज के लिए हम ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में आए हैं और बच्चों से जानते हैं कि आज पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा, जीके गणित रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल की न्यू बैच अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी फिजिकल की तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए गर्ल्स के लिए गर्ल्स कोच और बॉयज़ के लिए बॉयज़ कोच की फैसिलिटी है, और साथ ही साथ आप गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। और चलिए तो फिर जानते हैं आज का किस प्रकार का रिव्यू रहा बच्चों से। क्या नाम है आपका? भारती राजपूत। कितने नंबर आया आपका? मेरा 65 आया है। 65 नंबर। गणित में किस किस टाइप का क्वेश्चन? गणित में वो सीआई वगैरह आ रहा है, आयु से क्वेश्चन आ रहा है, और एक वो चाल समय दूरी से आया था, और साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था, मिक्सचर का था, और प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन जीएस बहुत टफ लगी आज की हमें, बायो वगैरह जितना मतलब आता है उतना नहीं आया। हमारी लैब में हमारे ही हाईएस्ट था मतलब 65, बाकी सबके नंबर देखे तो 60, ये 35, 72 से तो ऊपर दिखा ही नहीं किसी का। दूसरे रीजनिंग का वही पैटर्न आ रहा है, रीजनिंग का वही पैटर्न आ रहा है, रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष भी नहीं आ रहा है, कथन और पूर्व धारणा आई है, और या तो वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन क्वेश्चन वो आए हैं, और घड़ी के आए हैं, और दर्पण प्रतिबिंब वाला आया है, यही सब क्वेश्चन। थैंक यू। जीके वाले क्वेश्चन में जीके का क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो वो जीके में पूछ रहा, जब ये चांद पे कदम रखा था वो सन पूछा था, और जो करंट है, करंट तो अभी का तो पूछ ही नहीं रहा, एक क्वेश्चन था करंट का वो भी बहुत पहले का था। जीएस टफ लगी तो वो क्वेश्चन भी अभी वाले करंट अफेयर नहीं, नहीं अभी का करंट नहीं। इकोनॉमी से? इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से दो, वो वाले सिंचाई वाले जो है, सिंचाई से था कि ड्रिप जो उसमें ऑप्शन था, मैंने ड्रिप लगाया था जो वर्षा के जैसे होता है वो था, और उसमें पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वालिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मुझे, नहीं। और जीके में मतलब स्टैटिक जीके से ज्यादा? हाँ, स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा। और साइंस में? साइंस में बायो नहीं है, बहुत कम एक दो क्वेश्चन हैं, और साइंस बहुत ही टफ आई है, इजी नहीं आया जी साइंस में। मतलब रीजनिंग पादप से क्वेश्चन आए थे? पादप? हाँ, पादप से एक क्वेश्चन था, इतना जितना बता रहे हैं ये थैलोफाइटा वायोफाइटा, इसका कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एक वो वेग और विस्थापन वाला एक क्वेश्चन था, वो फिजिक्स से मतलब? हाँ, फिजिक्स से था। और केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से नहीं देखा, मतलब फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, फिजिक्स क्वेश्चन पूछ रहे, और बायो वगैरह ऐसे जो एनसीईआरटी की पढ़ी थी मैंने, उसका तो क्वेश्चन नहीं आया। जो एनालिसिस दिखा रहे हैं विनर वगैरह पे, अभी तक पेपर आ रहा था उसी के लेवल का, लेकिन आज का जीएस बिल्कुल हटके है, वैसा नहीं है। मतलब आप और लेवल हर दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, आज का पेपर टफ है, आज का पेपर मुझे टफ लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूछता रहो पूछता रहो, वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, चलने दो। सर उनका ही दर्ज है। क्यों बताना, नंबर कितना है आपको? नंबर कितना है?
कितने नंबर है आपको? चलो ठीक है बता देना अभी ना, अच्छा नंबर है। डिग्री कौन सी है? EWS हो जा रहा फिजिकल का। आज का पेपर, पेपर टफ था ना तो कटऑफ में बढ़ जाएंगे नंबर। सर पूछ रहे रुना एक मिनट, नंबर अच्छे को दिक्कत नहीं है, लेवल बढ़ रहा है थोड़ा ना लेवल आज का।